गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज आपण फिफ्थ स्टँडर्डला नवीन लेसन शिकवत आहोत. अनुभव पहिला. दिवाळीनंतरचं आपलं हे पहिलं लेसन आहे. दिवाळी सगळ्यांना चांगलीच गेली असेल, मलाही चांगली गेली, तुम्हालाही चांगली गेली असेल. तर दिवाळीनंतरचं हे काय आहे, पहिलंच लेक्चर आहे. अनुभव एक पेज नंबर 21 आहे. 21 पेज नंबर दिलेला आहे. 21 पेज नंबरवरती हे लेसन दिलेलं आहे, अनुभव एक. तर आज आपण बघूया काय अनुभव आहे तो. मारिया दुपारी शाळेतून घरी आली. मारिया हे एका मुलीचं नाव आहे, जो यहाँ पे खड़ी लड़की, उसका नाम क्या है, मारिया. मारिया दुपारी शाळेतून आली, वो स्कूल से दोपहर को घर पे आई. घराला कुलूप होते, घर को क्या था, लॉक लगाया हुआ था. आज नीचे आई बाबा लग्नाला गेले होते. आज क्या था, शादी पे उसके मम्मी पापा गए थे, तो मारिया अकेली थी. वो स्कूल से घर पे आई तो घर को क्या था, लॉक लगाया था. क्यों लॉक लगाया था, क्योंकि उसके मम्मी पापा शादी में गए थे. तिने लॉक कुलूप उघडले, तिने काय केलं, लॉक को उसने खोला. घरात आली, घर में आ गई. खिड़कियाँ उघडल्या, जो विंडो होते हैं डोर विंडो, उसने क्या किया, ओपन किया. गणवेश बदलला, गणवेश मीन्स जो यूनिफॉर्म स्कूल का डाला था उसने वो क्या किया, चेंज किया. हाथ पाए धुन थी, घरात खाऊ शोधत होती. उसने क्या किया, पूरा फ्रेश हो गई, हाथ मुँह धोया और क्या किया, खाने के लिए वो ढूंढने लगे कहाँ पे खाना रखा है मम्मी ने. अचानक खिड़कियांची दारे एकमेकांवर धड़ धड़ आपटू लागले. अचानक मतलब सडनली क्या हो गया, बहुत जोर से खिड़की के विंडो और डोर जोर जोर से बजने लगे. वारा सू सू करत वाहत हो बाहू लागला, जोर से हवा आने लगी, जोर से. तो हवा से क्या हो गया, जो डोर और विंडो है वो जोर जोर से बजने लगे. आभाळात ढगांनी गर्दीच गर्दी केली. आभाळात मीन्स स्काय, स्काय में बारिश गिरने से पहले क्या होता है, बहुत सारे बादल आते हैं, बहुत अंधेरा होता है, वैसे ही उसके वहाँ की कंडीशन हो गई बादल की. खूब गर्दी झाली होती, कशाची, ढगांची. ढगांचा गड़गड़ाहट व विजांचा कड़कड़ाहट सुरू होता. ढग मतलब बादल जोर जोर से गरजने लगे और बिजली भी कड़कने लगी थी. पाउस धो धो कोसने लगा, बहुत जोर से बारिश आ गई. मारिया ने पटापट दारे खिड़कियां बंद कर लिया. मारिया ने क्या किया, जो डोर और विंडोज ओपन थे वो क्या किए, उसने फटाफट से बंद कर लिए. तिचे लक्ष्य घड़ियाकडे गेले, उसका लक्ष्य कहाँ पे गया, उसकी नजर कहाँ पे गई, घड़ी की तरफ गई. जो डोर वॉल पे जो घड़ी थी उस पर उसकी क्या गई, नजर गई. बड़ा सुशील झाला आहे, बहुत देर हो गई है, असा विचार करत ती जवळच्या खुर्चीत बसली. बहुत देर हो गई, उसके मम्मी पापा शादी में गए थे, वो अभी तक आए नहीं है. उसने घड़ी में देखा तो बहुत देर हो चुकी थी और वो क्या गया, एक खुर्ची पे, चेयर पे वो बैठ गई. हळू हळू तिला पावसाच्या कविता आठवू लागल्या. धीरे धीरे उसको बारिश में क्या हो गया, बारिश से याद आ गई, उसको गाने उसको याद आने लगे. मतलब जो बारिश में जो गाने होते हैं वो क्या कर रही, वो गुनगुनाने लगी, मतलब बोलने लगी मन में ही. पावसाचा आवाज कमी झाला और मारिया ने खिड़की उघडली. बारिश जो जोर से आ रही थी वो क्या हो गया, कम हो गई. तो वे कम होने की वजह से उसने क्या किया, विंडो ओपन किए. बाहर रिमझिम रिमझिम पाउस पड़त होता. बारिश का स्पीड कैसे हो गया, कम हो गया, और कम होके कैसे बारिश गिरने लगी, रिमझिम रिमझिम गिरने लगी, मतलब धीरे धीरे बारिश गिरने लगी. वाऱ्याच्या वाहणाऱ्या पाण्याचा खळखळाट हळूहळू कमी झाला. जो पाणी बारिशचे जो पाणी बह रहा था उसका आवाज धीरे धीरे कम होने लगा. आणि थोड्याच वेळात पाऊस थांबला और क्या हो गया, थोड़ी देर में क्या हो गया, बारिश रुक गई. झाडाच्या पानातून टप टप पाणी गळत होते. जो झाड था, झाड से बारिश से जो झाड पे पाणी गिर रहा था तो उसका आवाज कैसे हो गया, टप 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 आने लगा था. पानात आड बसलेले पक्षी बाहेर आले. जो पान जो पेड़ के पीछे मतलब पत्ते के पीछे जो पक्षी बैठे थे वो क्या हो गया, बारिश रुकने की वजह से बाहर निकल आए. पंखांची फड़फड़ करून त्यांनी पंखांवरील पानी झटकले. क्या हो गया, पंखांनी फड़फड़ करून वो बारिश से बाहर आ गए और वो क्या हो गया, उसके बारिश से वो क्या हो गए, भीगे थे पक्षी, तो उन्होंने फड़फड़ करके अपने पंखों में से पानी निकाल दिया. त्यांनी पंखांवरील पाणी झटकले. जो पाणी बह रहा था उनके पंखों से वो क्या हो गया, उन्होंने झटक डाला.
मारिया ने आकाश कड़े पाहिले, मारिया ने क्या किया, आकाश की तरफ, बादल की तरफ देखा। बाहर लख ऊन पड़े होते, अभी बहुत जोर से बारिश हो रही थी और अचानक से सडनली क्या हो गया, बारिश रुक भी गई और बहुत तेज क्या हो गया, धूप गिर गई, धूप आने लगी। सभी कड़े कैसे स्वच्छ सुंदर वाटर होते, बारिश की वजह से पूरी जो गंदगी थी वो क्या कैसे पानी की वजह से वो बह गई और क्या हो गया, धूप गिरने के कारण कैसे हो गया था, बादल स्वच्छ, रास्ते स्वच्छ हो गए थे, क्लीन हो गए थे और कितना बहुत अच्छा लग रहा था। वो तो हो गया दाराची बेलवाजी, उतने में ही क्या हो गया, डोर बेल बजने लगी, डिंग डोंग, आई आली, ऐसे मनत मारिया पड़क पड़क दारा कड़े गई, डोर बेल बज गए, कैसे आवाज आई डोर बेल की, डिंग डोंग बजी, तो मारिया ने क्या किया, जोर जोर से भागी और दरवाजा खोला, तो दरवाजे में उसको क्या लगा, मम्मी पापा आ गए, तीनों दार उगड़ ले, उसने क्या किया, डोर ओपन किया, आई बाबा ना पहले मम्मी पापा को देखा, इतका वेळ वाट पाहत कंटाळलेली मारिया आईला जाऊन बिलगली। बहुत देर से वो अपने मम्मी पापा का वेट कर रही थी, डोर बेल बजने की वजह से उसको क्या हो गया, पता चल गया कि उसकी मम्मी पापा आ गए, बेल बजने के कारण वो क्या गए, जोर से भाग के डोर ओपन किया, उसने क्या देखा, उसकी मम्मी पापा आ गए थे, तो क्या किया उसने, अपनी मम्मी को जोर से हग किया। आई ने तिला प्रेमाने जवा दी थी, उसकी मम्मी ने क्या किया, उसको प्यार से अपने पास ले लिया। ओके, तो देखो कितना अच्छा बारिश का अनुभव, प्रसंग संगीतलेला आहे पावसाचा। हम भी कभी कभी बारिश में ऐसे भीगते हैं तो हमारे साथ भी कुछ भी होता है, तो वैसे ही मारिया के साथ जैसे हुआ था वैसे उसने इसमें बताया है। ये लेसन अपने मम्मी पापा को पढ़ के दिखाने का, अपने आई वडिलांना हे वाचून दाखवायचं आहे। ओके, आता याच्या खाली दिलेले आपण प्रश्न बघूया। मारियाच्या घराला कुलूप का होते, का होते कुलूप मारियाच्या घराला, मारियाचे आई वडील मम्मी पप्पा कुठे गेले होते, लग्नासाठी गेले होते, म्हणून मारियाच्या घराला काय होतं, कुलूप होतं। ओके, मारियाने दारे खिडक्या बंद का केल्या, का बंद केल्या, क्यों बंद किए थे उसने दरवाजे और खिड़की, क्यों बंद की थी, क्योंकि जोर से बारिश बढ़ने लगी, बारिश आने आ रही थी और वो बारिश से बहुत सारी हवा आने के कारण खिड़की दरवाजे जोर जोर से बजने लगे थे, इसलिए उसने डोर और विंडोज बंद कर दिए। पाना आठ लपलेले पक्षी केवल बाहर आले, जो पत्तों के पीछे पक्षी छुप गए थे वो कब बाहर आए, बारिश ठहरने के बाद, पक्षी पाऊस थांबल्यानंतर पाना आड़ लपलेले पक्षी बाहर आए। मारिया आईला का बिलगली, मतलब उसने मम्मी को जोर से हग क्यों किया, क्योंकि वो बहुत देर से मम्मी पापा का वेट कर रही थी और बहुत बोर हो रही थी, इसलिए उसने क्या किया, डोर बेल बजने के बाद उसने दरवाजा खोला और अपने मम्मी पापा को देखने के बाद वो क्या किया, उसने जोर से अपने मम्मी पापा को हग किया। ओके, अभी इसमें क्या दिया है, अच्छा मुझे काय दाखवलेला आहे, जोड्या जुळवा, ढगांचा आवाज कसा येतो, गडगडाट, पाऊस पडल्यानंतर ढगांचा आवाज कसा येतो, गडगडाट गडगडाट असा आवाज येतो ढगांचा, विजांचा आवाज कसा येतो, कडकडाट, पाण्याचा आवाज कसा येतो, खळखळाट, आणि पक्षांच्या पंखांचा आवाज कसा येतो, फडफडाट, हे सगळे इथे जोड्या लावायचे आहेत। ओके, तसेच इथे काय दाखवलेलं आहे, खालील शब्द वाचा व पाहून तसेच लिहा, आता हे शब्द दिलेले आहे, घड्याळ, खिडक्या, हळूहळू, गुणगुणू, रिमझिम आणि खळखळाट, हे शब्द वहीमध्ये लिहायचे आहेत। इथे काय सांगितलेलं आहे, रिकाम्या जागी विरुद्ध अर्थी शब्द लिहून वाक्य पूर्ण करा, आता रिकाम्या जागी विरुद्ध अर्थी जे अपोजिट है, इस जो दिला है उसके अपोजिट लिख के यहाँ पे कंप्लीट करना है। पाऊस सुरू झाला, पाऊस थांबला, बहुत जोर से सुरू हो गया, तो अपोजिट क्या लिखना है, पाऊस थांबला। मारिया सावकाश दाराकडे गेली, मारिया धीरे धीरे गई क्या दरवाजा खोलने के लिए, नहीं, तो मारिया क्या किया, धावत धावत पड़त पड़त ती दरवाजा खोलायला गेली। ओके, अब ये क्या है, अपोजिट, खालील शब्दांच्या विरुद्ध शब्द लिहा, चढ़ने, चढ़नेला काय येणार, उतरणे, उंच, उंचचं काय येणार, खोल, आठवणे म्हणजे विसरणे, बाहेर, आत, स्वच्छ,
आणि सुरू होणे. ओके, हे काय आहे? विरुद्ध अपोजिट वर्ड आहे. आता इथे काय दिलेलं आहे? पावसाळ्यातील तुमचा अनुभव सांगा. हम लोग बारिश में भीगते हैं तो अपने साथ क्या 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 होता है उसका वर्णन अभी हमने देखा है बुक में. तसंच आणखीन एक वर्णन सांगायचं आहे. तर काय येणार पावसाळ्यात तुमचा अनुभव सांगा. तर काय येणार आपण? पावसाळ्याचा दिवस होता, मी संध्याकाळी घरी जात होते, अचानक जोरात वारा वाहू लागला. आभाळ ढगांची गडगडाट, विजांची कडकडाट सुरू झाली. काळोख झाला, पूर्ण आकाश म्हणजे ढगांचा काळोख झाला आणि जोरात धोधो पाऊस सुरू झाला. पाऊस पडू लागल्याने मी काय केली? छत्री ओपन केली आणि छत्रीखाली मी छत्री ओपन करून मी छत्री घेतली. तेवढ्यात एक कुत्र्याचे पिल्लू, मतलब पप्पी, छोटा पप्पी क्या कर रहा था, वहां पे भीग रहा था, बारिश में भिजत होता. म्हणून मी काय केलं, त्याच्याजवळ छत्री घेऊन गेलो आणि त्या कुत्र्याच्या पिल्लाला मी माझ्याजवळ घेतलं, आपल्या छत्रीमध्ये घेतलं. हा एक प्रसंग. तसाच तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये तुमच्या तुमच्या मनाने तुमच्याबरोबर काय झालं पावसाच्या काळातील अनुभव तो लिहायचा आहे. आता आपण हा पूर्ण अनुभव पाहिलेला आहे. हा अनुभव नोटबुकमध्ये लिहायचा नाहीये. आम्ही जे वर्कबुक आणि जे वर्कशीट मिळणार नाही, पण जे आम्ही व्हॉट्सअपवरती तुम्हाला ज्या नोट्स देणार आहे त्या तुम्ही लिहायचे आहे. आणि हे स्वाध्याय जे बुकमध्ये आहे, स्वाध्याय जो दिला आहे लेसन अनुभव 1 खाली जो दिलेला आहे पेज नंबर 17 पेज नंबर 22 वरती, तो तुम्ही लिहायचा आहे. ओके, थँक्यू.